एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववाद, अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ऑर्गेनाइज्ड टॉन पेल्टिंग 2010 के मानांक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी, 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हा या ना में जवाब दीजिए। पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से दो झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववाद, अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहां के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूर परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2272 पर आकर अटकी, और वो 70% की कमी बताती है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी भारी मात्रा में कमी आई है। और इसके साथ जो आम जनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड टॉन पेल्टिंग 2010 के मानांक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी, 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल पहले 132 थी, पाकिस्तान में बैठकर हड़ताल का नारा देते थे, घाटी बंद हो जाती थी, 132 के बनाम एक भी बंद नहीं हुआ है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थी, अब जीरो है,
और जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जीरो है। 30 साल के बाद घाटी में थिएटर चालू हुए हैं, रात्रि शो चालू हुआ है और 32 साल के बाद ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहां के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए और अभी अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हां या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से दो झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।